मेरा नाम हरि किशन है, गांव देवली में रहता हूं और वहां से मैं देवली से और यहां तक पैदल आया हूं मैं। आज आपका पैदल आने का क्या कारण रहा, आप क्यों पैदल आए हैं? मैं पैदल यूँ आया हूं कि बहन जी, जब तक बहन जी दिल्ली में हमारी बहन जी प्रधानमंत्री नहीं बनेगी, जब तक मैं उसके प्रदर्शन करता रहूँगा और अपने देवली खानपुर जितनी भी दिल्ली में है मैं कोई वो नहीं छोड़ूंगा मीटिंग। और मेरा यह झंडा जब तक बहन जी दिल्ली में नहीं आएगी जब तक मैं उसको प्रचार करता रहूँगा। और ये जो बिन जी, जो आपने ये नीले जो पूरे वस्त्र पहने हैं और नीला झंडा हाथ में लिया है, तो ये आप हरे और नीले वस्त्रों से क्या दर्शाना चाहते हैं पब्लिक को आप? मैं बहन जी का सरकार बनाना चाहता हूँ और बाबा साहब का जो भी काम अधूरा है उसको पूरा करना चाहता हूँ। मैं नीली क्रांति लाता हूँ और आसमान भी नीला हो रहा है। जब से मोदी जी आए हैं आसमान भी डर डराता है और जब से नीचे से होता है भूख हड़ताल मारकाट घसोट वटोट सब चीज सब हो रहे हैं। कहाँ गए वो मोदी जी? जय भीम जय भारत। अभी हरि किशन जी ने बताया कि जब तक बहुजन समाज पार्टी की सरकार नहीं बनती है और बहन कुमारी मायावती जी देश की प्रधानमंत्री नहीं बनती हैं, जब तक मैं इसी तरीके से नंगे पैरों के साथ में और नीले कपड़े और झंडा लेके जगह जगह जाऊंगा, कोई मीटिंग नहीं छोड़ूंगा और बहुजन समाज पार्टी का प्रचार करूंगा। इस तरीके ये हरि किशन ही नहीं, ऐसे कितने पुरुष हैं, कितने महापुरुष हैं, कितनी महिलाएँ जिन्होंने अपना पूरा जीवन बहन जी को अर्पित कर दिया है और बहन जी को प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। आगे और चलते हैं और बात करते हैं।